जेंटलमैन। तो आज हम बात करेंगे कि आपको लव मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि यार ऐसी वीडियो बनाते हैं भाई, नहीं करनी चाहिए, हर कुछ नहीं करना चाहिए, डाइवोर्स भी कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो करे क्या। तो देखो यार एक बात बता दूं आपको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप कोर्ट जाने से पहले ना अपने आप को संभाल लें, कोर्ट में आने की दिक्कत ही ना पड़े। तो आज हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में कि आपको लव मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखो लव मैरिज दो तरह की होती है, एक होती है जिसमें पेरेंट्स राजी होते हैं, ठीक है, उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। दोनों पेरेंट्स राजी हैं और लड़की भी राजी है, तो उसकी तो हम बात कर नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि शादी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो घर वाले मान ही जाएंगे, तो उस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है ससुराल, ओके। और ससुराल में क्या क्या होता है वो आज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है, ससुराल जाते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है, लड़के को तो देखो लड़की पसंद होती है, ठीक है, सारी बात आती है उसकी फैमिली की। फैमिली बाद में सोचती है कि यार ये कुछ लेके नहीं आई, ओके। मोस्टली केसेस में ये होता है क्योंकि लव मैरिज में ना फिर मतलब प्यार में होता है कि क्या देना लेना, तो वो वाली बात नहीं होती जो अरेंज मैरिज में लोगों को मिल जाता है दहेज, ठीक है। तो कुल मिला के हम सारी बात कहें एक शब्द में तो दहेज, तो आपको सारी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी दहेज, ओके। अब दहेज का क्या होता है, वो डायरेक्ट तो कोई कहता नहीं है, तो उस रिगार्डिंग हर बात पे ताना दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे, फिर उसी चीज़ को लेके लड़ाई होगी, ओके। अब आप कहोगे कि यार हमारी सास तो मतलब हमारा जो लड़का पसंद किया वो तो अच्छा है, ठीक है, वो तो अच्छा है, ओके। लेकिन जो शादी हो जाती है ना उसके बाद उसके भी बोल बदल जाते हैं अपनी माँ के चक्कर में या अपनी फैमिली के चक्कर में, ओके। क्योंकि उन्हें उसकी जो फैमिली होती है उनको चाहिए होता है दहेज कि भी हमने इतना बड़ा जो बेटा है वो बड़ा किया और इसने शादी कर ली, ठीक है, अब ये बहू कुछ लेके नहीं आई, समझ रहे। तो वो सोचते हैं कि यार इसको कुछ मिला नहीं, मतलब हमें कुछ मिला नहीं, तो हम अब रहने नहीं देंगे बहू को, फिर उसके साथ मार पिटाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसको छोड़ाएंगे, फिर उसको लेके नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आप हस्बैंड को बोलोगे कि भाई ऐसे कैसे, फिर वो भी आपको लारे देगा कि हाँ लेके आऊँगा, अभी मेरी अभी थोड़ा माहौल ठंडा होने दो, ये होने दो, तो फिर वो लेके आते नहीं है, ठीक है। फिर उधर पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट जाती है कि यार ये कराई क्यों, ओके। और फिर लड़की की भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अब मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं ना इस वीडियो में आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सुनाऊंगा अपने क्लाइंटों की, ओके। तो बेस ट्यूब में आपको चलाऊंगा क्लाइंट्स के जो दर्द, जिन्होंने लव मैरिज की हुई है उनका जो दर्द, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ओके। अब मैं नहीं कह रहा सबके साथ होता है, लेकिन ना मोस्टली केसेस में ये ही होता है, ओके। तो ये तो हो गया जनरल बात, यानी कि लॉ की बात। अब कुछ साइकोलॉजी वाली बात करेंगे। तो देखो यार इससे ना, इस चक्करों में ना आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो मैं बता दूँ। जो ये मूवीज से सीखते हैं ना कि ये जो ये वर्ड है आई लव यू, आपने सुना होगा ये वर्ड, ये ना अपने आप में ना एक ट्रैप है, ये वर्ड ट्रैप। मैं ये प्रूव कर दूंगा क्यों होता क्या, जैसे कि कोई भी वर्ड है ना, जैसे ये वर्ड है आई लव यू, ठीक है, तो इस वर्ड को ना आप किसी भी आज के टाइम में किसी अनपढ़ से अनपढ़ लड़की को बोल दो या लड़के को बोल दो अनपढ़, ओके, उसने इवन ए सिंगल वर्ड नहीं पढ़ा होगा कभी, वो स्कूल नहीं गया, उसको ये वर्ड बोल दो, वो उसका मीनिंग समझ जाएगा। हालांकि उसको ये नहीं पता इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई मतलब नहीं है, बस उसको बोल दो वो अपने आप समझ जाएगा। क्यों, मूवीज ने फैला रखा है, मूवीज से सुनते आ रहे हैं, तो ये इमेज बन जाती है, ठीक है। दूसरा मिथ ये बोलते हैं कि यार, कहते हैं ना कि लव और अफेयर में सब कुछ अलाउड है, तो यार देखो ये ना फिल्मी बातें हैं, ये झूठ है। अब आप देखोगे ना लॉ ऑफ वार पढ़ोगे, अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है या कोई लॉ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा लॉ ऑफ वार, यानी कि जब वार करते हैं ना तो उसमें भी ना लॉज होते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन मर गया है ना तो उसके साथ, यानी कि जो वाउंडेड हो गया है उसके साथ ह्यूमिनिटी दिखाएंगे, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कहते हैं ना प्यार में और वार में सब कुछ अलाउड है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये सब झूठ है, ये फिल्मी डायलॉग है भाई, असली में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्यार में भी लॉज होते हैं, लॉज ये होते हैं कि आप अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, और लॉ ऑफ वार में तो होती हैं, ठीक है, कभी आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ लेना डिटेल में, आपको पता चल जाएगा। तो ये बात झूठ है, इस पे ना जाओ, इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। और थर्ड बात, हाँ बोलते हैं ना कि यार मतलब लोग कहते हैं कि उसने प्यार किया है, ये किया है, ओके, मैंने पैसे नहीं देखे, वो नहीं देखे, तो देखो यार ये कहने वाली बात है, आपको प्यार में ना मतलब सस्टेन करना पड़ता है, बिना पैसे के भी काम नहीं चलता। लोग कहते हैं ना कि भाई खुश रहूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बाद में ना एक दिक्कत होती है सस्टेन की लाइफ की, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए जेब में। अब जो पैसा नहीं होता ना फिर बहुत दिक्कत होती है, खासकर लड़की को, ठीक है। और कहते हैं ना कि भाई मेरे सपनों, मतलब लोग कहते हैं कि यार पैसे की बात नहीं है, ठीक है, तो ना पैसे की ही बात होती है प्यार में, ना पैसा भी इम्पोर्टेंस होता है, अब प्यार से ना पेट नहीं भरता, ठीक है।
और पेट भरने के लिए सस्टेन करना पड़ता है, सस्टेन के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो आप अपनी सिक्योरिटी भी देखो, अगर कोई लड़की है उसको लग रहा है कि मैं लव मैरिज करने वाली हूँ किसी से, तो यार उसको ना सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए, ठीक है। प्यार से पेट नहीं भरता, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। ओके, और एक मिथ और लोगों के बोलते हैं ना कि यार पैसा मैटर नहीं करता, इसका ना प्रूफ भी है। अगर पैसा मैटर नहीं करता ना, तो ना जो बोलते हैं ना डायलॉग कि मेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा, तो फिर वो राजकुमार ही क्यों है? फिर वो ये होता ना कि भाई मेरे सपनों का मजदूर कब आएगा, दाढ़ी छोड़ के मेरी मजदूरी छोड़ के कब आएगा, तो वो राजकुमार ही क्यों है? तो इसका मतलब क्या है, यानी कि पैसा, ठीक है, राजकुमार के पास ही होगा ना पैसा, तो यानी कि बड़ी लाइफ। अब ये क्यों नहीं बोलते कि यार मेरे सपनों का मजदूर कब आएगा, अपनी दिहाड़ी छोड़ के, अपनी वो मजदूरी छोड़ के कब आएगा? तो पैसा मैटर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपको, अगर आप चाहते हो लव मैरिज करना, या फिर आप किसी चक्कर में हो इस मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो यार देखो लव मैरिज करने से पहले ना R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फैक्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। ट्रस्ट बोलता है कि मेरी इतनी सैलरी है, फैक्ट बोलता है उसकी जो रिसिप्ट है सैलरी की वो है। ट्रस्ट बोलता है कि मेरे घर पे BMW खड़ी है, मेरा घर इतना बड़ा, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्रस्ट कहता है उसके घर जाके देखो क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। तो इससे बचो, ये ट्रैप है। और अगर आपको करनी है तो R&D करो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। अब मैं आपको कुछ क्लाइंटों का वो सुना देता हूँ कि भाई लव मैरिज कर लेते हैं, फिर आपको क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती है, ठीक है। सो लेट्स लिसन। मेरी लव मैरिज हुई है, हम लोग 6 साल रिलेशनशिप में रहे, फिर हमने शादी करी। एक्चुअली क्या, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, ब्रदर से मेरा पापा दो है, तो हम दोनों ने शादी करी। एक मिनट, मैंने काट दूंगा। गुड इवनिंग सर, मेरी लव मैरिज हुई है, हम लोग 6 साल रिलेशनशिप में रहे, फिर हमने शादी करी। एक्चुअली क्या, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, ब्रदर से मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, बस सिस्टर है वो विडो है, तो हम दोनों ने शादी करी फैमिली की मर्जी से, सारी फैमिली भी थी। बट शादी के नेक्स्ट डे ही उन्हें क्या हो गया, मैं मायके मुझे छोड़ के गए, और फिर उस दिन के बाद आए नहीं, बस मुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं हमेशा। 2 दिन में मैं कमरा ले लूँगा तो ले आऊँगा, ले आऊँगा, ले आऊँगा, और जैसे तैसे मैं अपने हक के लिए बराबर से लड़ती रही, जाती रही, बहुत बेइज्जती हुई, मुझे भगाया गया, मेरे साथ सारे कर्म करे गए। उनकी मदर एक्चुअली वो पंडित हैं और मैं ठाकुर हूँ, तो जाति का भेदभाव हो रहा है मेरे साथ मदर के कहने। अब उन्हें अपने माँ भाई भाभी बहुत अच्छे लगने लगे, पहले यही लोग बुरे थे मेरे लिए। वो आत्महत्या करने के लिए रोड पर लेट गए मरने के लिए, हाथ काट लिया, गर्दन काट ली, शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। अब शादी हो गई है तो अब इस तरह से कर रहे हैं। अब बहुत परेशान हूँ मैं, छोटा मोटा सा जॉब करती हूँ मैं टीचिंग का, और घर में कोई है नहीं। प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो भी ब्रदर के फेवर में चला गया है। अब मैं यहाँ रह रही हूँ पेरेंट्स के यहाँ, तो मुझे घर खाली करना पड़ रहा है। आपसे मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि आपने बहुत सही जानकारी दी कि, तो जैसा कि आपने सुना, ठीक है, तो ये तो एक थी, ऐसे बहुत सारी भी पड़ी हैं, ठीक है। और थैंक यू वो मैम के लिए जिन्होंने हमें ये अपनी ऑडियो क्लिप यूज़ करने की परमिशन दी। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, ताकि और लोगों को सीख मिले। तो यार देखो एक बात और बता दूं मैं अपनी बहनों को, बहन बेटियों को, आप लव मैरिज करो ठीक है, लेकिन ना एक R&D करो। लेकिन मैं फिर भी आपको ना प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या क्या होती है। लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है, लड़का आपको रखेगा नहीं, डिस्प्यूट होगा सास के चक्कर में, उसकी जो फैमिली है उसके चक्कर में। लड़का बेशक प्यार करता हो, ओके, लेकिन दिक्कत होगी उसकी फैमिली की वजह से। और उसका इतना इनकम होता नहीं है स्टार्टिंग में कि यार वो शादी कर ले अच्छे से और अपने जो खर्चे हैं वो भी चला ले, क्योंकि उसको भी डिपेंड होना पड़ता है। और जहाँ डिपेंडेंट की बात आ जाती है ना, कि अगर कोई पार्टी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ ना थोड़ा झुकना पड़ता है, ओके, फिर वहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं टिकता। तो इससे अच्छा है कि आप ये कदम ना उठाएं, ओके। तो आप अपनी R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तब जाके किसी को आप लव मैरिज परफॉर्म करो। तो बिल्कुल ध्यान रखो, कोई इतना सस्ता नहीं है कि यार मतलब लाइफ एक बार मिलती है ना, बार बार ऐसे शादी कब तक आप कोर्ट के चक्कर डालोगे, ठीक है। और शादी के बाद एक बार शादी हो जाती है फिर आप रेप केस भी नहीं कर सकते, मैरिटल रेप इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। तो नेक्स्ट थिंग आती है, सपोज उसने शादी कर ली और वो आपको लेके नहीं जाता, यही होता है मोस्टली केसेस में, वो लेके नहीं जाता, फैमिली के डिस्प्यूट चलते हैं, उसको रीजन दे देता है कि कुछ टाइम रुक जा, कुछ टाइम रुक जा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो होता कुछ नहीं है,
फिर हार थक के लड़की को या तो सेक्शन 9 डालना पड़ता है, ओके, और चलो होम में एंट्री मिल भी जाती है, फिर उसके साथ ना वो वाला बिहेवियर नहीं होता, उसके साथ अलग ही बिहेवियर होता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, ओके, दहेज के ऊपर हर बात में मतलब दहेज को लाया जाता है कि भाई कुछ लेके ही नहीं आई है, क्या लेके आई थी जो इतनी अकड़ दिखा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, फिर अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं कि शादी तो कर ली लेकिन फूट पाड़ दी लड़की ने, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और फिर जो लड़के के जो तेवर होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, क्यों, उसने जो शादी से बाद में जो काम करने होते हैं वो पहले ही कर लेता है, ओके, आर यू गेटिंग, तो उसके बाद ना फिर उसके तेवर भी बदल जाते हैं कि हाँ भाई तू लाई क्या थी, तो अपने पेरेंट्स के उसमें आ जाते हैं, ओके, और फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है होम की एंट्री, होम की एंट्री, और दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है लड़का शादी कर लेता है, ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, लड़का शादी कर लेता है, ओके, फिर उसको होम में एंट्री नहीं जाती, फिर क्या करते हैं लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ना बेदखल करने का नाटक करेंगे, ओके, न्यूज़ दे देंगे कि यार उसको बेदखल कर दिया है, अब हमारा और उससे कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि उनसे लेना देना होता है, यानी कि बस दिखाने के लिए कि हमने बेदखल कर दिया है, अब हमारा इसका कोई वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, अब ये दूर रहेगा हमें नहीं, हालांकि वो उनसे मिलता है, सब कुछ होता है, बस शादी से बचने के लिए, ताकि ये बहू हमें अपने पास नखरी ना पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं बेदखल कर देते हैं, और लड़की को दिक्कत होती है, उसके पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती है, ओके, तो इन चीज़ों से बचो, ये ट्रैप है, और ये मूवीज़ वगैरह देखना छोड़ो, होता है ना ये मूवीज़ में देख के पागल हो रहे हैं यार, देखो वो मूवीज़ होते हैं एक सॉन्ग के ना वो करोड़ों रुपए लेते हैं, पिछली बार एक सॉन्ग आया था ना कबीर सिंह का कोई था बेख्याली में ऐसे करके, तो उसके लिए लोग पागल हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, तो यार देखो वो सिंगर्स लोग होते हैं वो, ठीक है, आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं एक गाना लिखते हैं और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, वो अपना गाना दोबारा भी नहीं सुनते, वो चिल करते हैं, लाइव शो करते हैं, और वर्ड वर्ड के साथ खेलते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन हम आम आदमी क्या करते हैं उनको सीरियस ले जाते हैं और फिर अपनी ऐसी ही जिंदगी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, तो इन चीज़ से बचो, ये सब ट्रैप है, मैंने आपको पहले बता दिया ये सब ट्रैप है, ट्रैप है, ट्रैप है, ओके, और एक चीज़ और देखी होगी आपने कि भाई शादी का प्रॉमिस कर लेंगे फिर शादी नहीं करते, ठीक है यार, एक बताओ इतना ही प्यार होता तो शादी क्यों नहीं करी, नहीं करते ना लोग, तो ट्रस्ट टूटता ही है, तो हमेशा आप फैक्ट पे जाओ, कभी ट्रस्ट पे ना जाओ, अगर आपने पक्का मन बना लिया है शादी करने का तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आप फैक्ट पे जाओ, ठीक है, बेशक वो बोलता हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होता यार, नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, ये बस कहने वाली बातें, फिर बाद में ना फैमिली का बहाना दे दिया जाता है, एक केस और बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था, एक ना लड़का था वो ना जॉब करता था शायद दिल्ली में, तो एक लड़की थी गोवा की, तो वो भी दिल्ली में ही रहती थी, तो उन्होंने क्या करा शादी कर ली, तो 2 साल तक वो शादी करके दिल्ली में ही रहे, जॉब करते रहे, लड़के ने अपने घर पे बताया नहीं कि मैंने शादी कर लिया, ठीक है, अब शादी वाले काम हो गए सारे, समझ रहे हो ना, शादी वाले काम तो हो गए, तो फिर लड़की बोलती कि यार घर ले चल ऐसे ऐसे, तो लड़का बोलता कि अब मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ओके, अब लड़का क्या करता है चोरी छुपे कुछ काम बोल के कि भाई मुझे काम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारा सामान लेके अपना अपने घर चला जाता है, और वो लड़का होता है यूपी का एक्चुअल में पीछे से, तो अब लड़के का कोई अता पता नहीं है, ठीक है, लड़की ने शादी कर ली, यानी कि अपनी जो रिस्पेक्ट थी वो चली गई, ठीक है, शादी के बाद वाले काम करके, अब कहाँ सेक्शन 9 डाले जब उसका एड्रेस ही नहीं पता है, फ़ोन सब स्विच ऑफ है, कोई मतलब नहीं है, जॉब वॉब सब अलग, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब आप कहोगे कि यार डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं, देखो यार डॉक्यूमेंट्स से इतना कुछ नहीं होता, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे ना मतलब फेक नाम की भी चीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं फेक आईडी करके जॉब करते हैं, फिर उनका काम पूरा हो जाता है फिर चले जाते हैं, नहीं आते आते यार, नहीं आते, ओके, और फैमिली मैटर में तो वैसी पुलिस बहुत कम एक्शन लेती है, जब तक कोई सीरियस ऑफेंस ना हो जाए तब तक तो लेती नहीं है, ओके, जब तक कोई मर्डर ना हो जाए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज किसी के घर में ना मतलब फाइट हो रही है, ओके, और उसमें से एक एक कोई भी पर्सन पुलिस में जाके बोलता है कि यार हमारे घर में फाइट हो रही है, और वो सुसाइड वुसाइड कर लेगा, आप एक बार आ जाओ, तो वो ना इतना सीरियस नहीं लेगी, ठीक है, और अगर उसने सुसाइड कर लिया ना कुछ समय बाद, मान लो उसी फैमिली में जो पर्सन आ रहा था उसने सुसाइड कर लिया, पुलिस अपने आप आ जाएगी, क्यों, उसको उसकी ड्यूटी बन गई ना फिर, भाई डेथ हुई है उसको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, सब कुछ कराना पड़ेगा, तो समझ रहे ना आप मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इतना एक्शन नहीं लिया जाता, हम सोचते हैं कि यार वो कर देंगे ये कर देंगे, फ्रॉड का केस डाल देंगे, तो आपको पता है इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो इन चीज़ों से बचो, ओके, तो ये लव मैरिजों के चक्कर में ना पड़ो आप, अगर ऑलराइट, तो मैं आपको एक बार और बता दूं, ठीक है, इस बात से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, अगर कोई पर्सन आपको कहता है ना कि यार मतलब मैंने आपको पहले बताया ये ट्रैप है, एक प्रूफ और देता हूँ कि ये ट्रैप है, सपोज कोई लड़की है और उसको कोई लड़का ये बोलता है कि मुझे ना तेरे से प्यार हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में लव हो गया,
लव एट फर्स्ट साइट हो गया, ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, फिल्मी डायलॉग जो बोलते हैं ना, तो ना आप लड़के को ये पूछ लेना कि ठीक है दिल, मतलब दिल वाला प्यार हुआ है, वो बोलेगा हाँ दिल वाला प्यार हुआ है। उसको ये बोल देना कि दिल का ना एक फंक्शन बता दे, मेन फंक्शन बता दे, या फिर दिल का ना वो बना दे, डायग्राम बना के दिखा दे और इसके कुछ पार्ट्स बता दे, और दो तो नहीं उसका एक मेन फंक्शन ही बता दे कि दिल का मेन फंक्शन क्या है। मैं गारंटी देता हूँ किसी को नहीं पता, बस वो मूवीज से सीख रखा है, ऐसे करके दिल बनेगा, उसमें ऐसे करके तीर जाएगा, वो रेड कलर का होगा, वो सीख रखा है कि भाई ऐसे लिखते हैं और ऐसे बना दो, उससे प्यार हो जाता है, ठीक है, यानी कि ट्रैप चल रहा है ना, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। असलियत में किसी को ये नहीं पता, मतलब जो ये करते हैं, जो ऑफर मारते हैं, जो भी यानी कि ट्रैप में जो फंसाते हैं, किसी को ये नहीं पता कि दिल का मेन फंक्शन क्या है, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कहाँ पे है, एग्जैक्ट कहाँ है। लोग कहते हैं लेफ्ट में है, ये है, तो यार देखो लेफ्ट में भी नहीं होता, वो ना हल्का सा इधर होता है, तो किसी को मतलब बस ऐसी है, ट्रैप है, बना रहे हैं, प्यार हो गया, बस मूवी से सीख रखा है, ऐसे करके ऐसे रेड कलर का, उसमें ऐसे तीर जा रहा है, इसका मतलब प्यार है, ये है वो है, ठीक है, तो ये सब ट्रैप है, तो इनसे आप बचो। मैं आपको एक बार और बता दूँ, इनसे बचो आप, ठीक है, कुछ नहीं है, ये ट्रैप है। और शादी करनी है तो देखो R&D करो, अदरवाइज आप ना करो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनकम उसकी सस्टेन कर पाएगी आपको फ्यूचर में, तब आप करो, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि देखो लड़की को फेस करना पड़ता है यार, फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, उसको लड़के के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि हाँ भाई ये मेरे को रखेगा, अगर उसने ट्रस्ट तोड़ दिया आपकी लाइफ स्पॉइल, और होता भी यही है, ठीक है, ट्रस्ट टूटता ही है, कोई ट्रस्ट कोई वो तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज, लेकिन ना वो टूटता ही है, लव मैरिज में टूटता ही है, कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, फिर जो लड़के के जो लड़का होता है उसकी जो फैमिली होती है उनकी वो अलग ही नशे में जी रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमें डाइवोर्स करा के हम अपने बच्चे की दूसरी बहू लेके आएंगे जिससे हमें दहेज मिले, वो मिले, ये मिले, यही होता है, ठीक है, फिर जो लड़की है उसके साथ शादी के बाद वाले काम हो रखे होते हैं, फिर उसको कोई पूछता नहीं है, ओके, फिर लाइफ स्पॉइल होती है उसकी और उसके पेरेंट्स की। तो यार देखो इतना सस्ता ना बनो मेरी बहन, बहनों और बेटियों, इतना सस्ता ना बनो कि अपनी लाइफ किसी के भी मतलब कदमों में जाके ऐसा घेर दो और फिर बाद में दिक्कत हो, ठीक है, हम नहीं चाहते कि फिर आपको ना मतलब कोर्ट में आए और आप ये सब करो, और ठीक है देखो कोर्ट में यार जस्टिस आपको पता ही है इंडिया में कितना लंबा मिलता है, ठीक है, आप आंकड़े देख लो, केस इतने हैं, इतने सारे केस हैं, जजेज इतने हैं, ठीक है, उसमें से जो न्याय मिलता है वो इतने को मिलता है, तो आप देख लो, ओके। तो और ये शादी है ना, ये फैमिली मैटर्स होते हैं, इनमें ना बड़ा वो होता है यार, बड़ा पचड़ा होता है, बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, अब ये ना चॉइस वाली बात होती है, रहना नहीं रहना, अब कोर्ट घर आके तो देखेगी नहीं हर किसी के कि भाई तुम रह रहे हो नहीं रह रहे, ठीक है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो बोल देगी हाँ भी जाके रहो, सेटलमेंट करा देगी, लेकिन फिर वो ये ना घर में तो आपको रहना ना, बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, ठीक है, तो इससे अच्छा है अगर आपको करनी है तो R&D करो, अदरवाइज आप ये चक्करों में ना पड़ो, ओके, सो दैट्स फाइनल, आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।